Hey guys, good morning. Welcome back to my channel Pallavi Vlogs. Today is 23rd of April and आज कोलकाता पर इतना बढ़िया मौसम हो गया ना. आई गेस सुबह के टाइम में बहुत बारिश वगैरह हुआ है एंड एकदम धूप में है. सो प्रिटी वेदर, काफ़ी ठंड ठंड सी है मौसम. फैंस ऑफ है, पूरे घर के विंडोज़ क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सामने मॉम डैड बैठे, अगर आप लोगों को पता होगा कल मम्मी पापा आए हैं कोटद्वार से. सब हम लोग सब आज जल्दी उठ गए थे. आई वो कपड़ा 7:30, मॉम डैड तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं. मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ सामने लेके जाकर. यहाँ पापा सुबह सुबह फ्रूट्स और जूस पी रहे हैं, मैंगो जूस. और मानस नींद में बैठे हुए हैं क्योंकि पहली बार इतने सुबह सुबह उठे हैं. और यहाँ मम्मी बैठी हुई है. कैसा लग रहा है इनको? मजा आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक कलकत्ता का एक्सट्रीम मौसम देखा नहीं है, इसीलिए ठंडा ठंडा कौन कौन बाहर का मौसम देखो. हे गाइस, तो अभी हम लोग बैठ के इतना देर बात ही कर रहे थे. पापा ने तो फ्रूट से ही ब्रेकफास्ट कर लिया, मम्मा भी ब्रेकफास्ट कर रही है. मानस गया बाहर थोड़ा एक दो सामान लाने के लिए और पापा से बैठे नहीं जाता. बोलो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो गया थोड़ा सा नीचे वॉक करने. और हमने सोचा कि हमारा तो ट्रेन रात का है, हमें स्टेशन पहुँचना अराउंड 8:39. तो हमने सोचा पूरा दिन है हमारे पास एंड मौसम इज रियली गुड. बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, ठंडा ठंडा, एकदम धूप नहीं है तो बाहर हम जा सकते हैं. तो हमने सोचा कि आज के दिन हम यूटिलाइज़ करें. तो वी वर थिंकिंग कि कहीं जाए. फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम इको पार्क चलते हैं. मैं भी कभी नहीं गई हूँ और हम लोग घूम आएंगे. क्योंकि हम लोग बहुत टाइम सोच रहे थे इको पार्क जाएंगे, बट इतना गर्मी होता है कलकत्ता में कि हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी हम जाएँ. तो आज का मौसम अच्छा है, मॉम डैड भी है, तो वी कैन गो. तो अभी इट इज़ नाउ 9:00. कुछ खाना बनाने का नहीं, लंच हम बाहर से ही कर लेंगे. तो अभी हम मेरे को पैकिंग करना है. आई डू अ लिटिल बिट ऑफ पैकिंग देन गेट लाइक नहा वहा के विल गेट रेडी. हे गाइस, तो पापा भी आ गए थे, मानस भी आ गया था और अभी टाइम हो रहा है 10:10. मम्मी रेडी हो गई है, मानस भी नहा के रेडी हो रहे हैं, पापा भी नहा रहे हैं. पापा का हो जाएगा देन आई विल गो. मुझे भी रेडी होना है. हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यू टाउन साइड ही जाएंगे शायद, वहाँ एक मंदिर भी है. मम्मा बोल रही है आज अच्छा दिन है, अक्षय तिथि है, तो हम लोग पहले एक मंदिर विजिट करेंगे, उसके बाद हम इको पार्क जाएंगे. स्टिल नॉट शेड्यूल, देखते हैं कैसे क्या हो जाता है. तो आई होप दिस ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड. हे गाइस, तो मैं हो गई रेडी, मॉम डैड भी हो गया रेडी, बस वो निकल रहे हैं और अभी नीचे गाड़ी तो आ गया है. विल लीव एंड सबसे पहले मंदिर जाएंगे जैसे कि हमने बोला था. तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, सामने ही है विश्व बंगला गेट एंड पापा भी सो गए, मम्मी भी थोड़ा थोड़ा सो रही है. आपको भी नींद आ रहा? तो हम यहाँ कलकत्ता में चलते चलते पहुंच गए पेरिस. मानस मेरे को पेरिस ले जा नहीं रहा, तो इसलिए सस्ता वाला आईफिल टावर से काम चला रहे. पहुंच गए अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन, ये है श्री श्याम मंदिर. और अंदर बहुत बड़ा सा एक हनुमान जी का मूर्ति भी बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो अभी हम लोग अंदर आ गए, हमारा हो गया एक छोटा सा फोटो सेशन. बहुत ज्यादा सुंदर सा बना हुआ है यहाँ पे.
एक्चुअली 12 बज गया इसीलिए मंदिर का द्वार तो बंद हो गया, बट हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो हमारा हो गया दर्शन, अभी लोग जा रहे बाहर, मतलब दर्शन तो नहीं हो पाया, हमने बाहर से ही देख लिया। और अभी बाहर या एक्चुअली ये मंदिर इको पार्क के साइड में ही है, तो अभी हम जाएंगे इको पार्क, देखते हैं। थोड़ा धूप निकलने लगा है, इतना गर्मी नहीं है, होपफुली और ज़्यादा गर्मी नहीं हो, वरना तो बहुत थक जाएंगे। और हमारा रात का ही ट्रेन है, तब जल्दी से घर भी जाना है। सो प्रिटी, कैसा लगा आप लोगों को, आपको अच्छा लगा मंदिर? बढ़िया लगा, बहुत सुंदर मंदिर है। तो अभी हम पहुँच गए इको पार्क, हम लोग गेट नंबर 4 से एंटर किए हैं। यहाँ पे बहुत पार्किंग भी बना हुआ है 4-व्हीलर्स के लिए। मानस गए वहाँ पे टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए। यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे 7 वंडर्स है, तो हम वहाँ जाएंगे, उसके लिए अलग से टिकट लेना होगा। मानस जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। एक्चुअली हम एकदम करेक्ट टाइम पे आया, इको पार्क का गेट खुलता ही है 12:30 से, तो हम बराबर उसी टाइम आए हैं, इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमें यहाँ पे भी आराम से टिकट मिल गया, 30 रुपीज़ है ना, एक 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 7 वंडर्स का मिनिएचर, लाइक दे हैव रिक्रिएटेड इट। हम लोग भी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैंने तो देखा है नहीं, इतने बढ़िया सनफ्लावर, यहाँ पे इतने सारे पेड़ है। यहाँ पे मानस अपना कैमरा से चालू हो गया अपना क्लिक क्लिक करने के लिए, मम्मा लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। एज वी एंटर थ्रू द गेट, सबसे पहले हमें दिखेगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यहाँ पे जो पिरामिड्स बने हुए हैं, इसके अंदर भी आप जा सकते हो, अंदर में भी सारे हिस्ट्री के बारे में और सारे इनके अबाउट्स दिए हुए। अब हल्का हल्का गर्मी लगने लगी है ना, मेरे को तो लग रहा है हमारा ट्रिप स्टार्ट होने से पहले मैं टैन हो जाऊंगी, जाके आज फिर से क्लीन अप करवा लूंगी। नेक्स्ट इज द एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा, जॉर्डन। ये देखने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपको दिखेगा दीज ब्यूटिफुली कार्व्ड ह्यूमन फिगर्स, मोआई स्टैचूज। इसके लेफ्ट साइड में ही द नेक्स्ट 7 वंडर्स है, जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट इज एक्चुअली सिचुएटेड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील। बेस्ट बात है मैं दिल्ली बिना गए मैं ताजमहल देख पा रही हूँ, एंड दिस लुक्स सो प्रिटी। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। खड़े हुए, बहुत ज़्यादा धूप है ना, इसीलिए मैंने अपना बहुत सारा पिक्चर्स क्लिक कर लिया। अगर आप लोगों को फोटोज और रील्स देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी पॉपअप कर दूँगी। बुला कर लेके आई हूँ यहाँ पे, उनका पिक्चर क्लिक करवा ली हूँ, खड़े हैं दोनों क्यूटली। मम्मी चले गए उधर पेड़ के पास क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मैं पापा को खींच के लेके आई हूँ, हमारा फोटोग्राफर। फाइनली मेरे और माने से कुछ अच्छे पिक्चर्स आए हैं, पापा ने क्लिक किया DSLR से। अभी हम लोग जा रहे हैं द नेक्स्ट वन, दिस इज द वॉल ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
हम सेवन वंडर्स तो घूम लिए बट आई डोंट नो बहुत ज़्यादा बड़ा है हम लोग नहीं घूम पाएंगे। मामा भी यहाँ पे गर्मी में खड़ी है, मेरा भी फेस का हालत देखिए अभी टैन हो गई हूँ। पापा को तो गर्मी नहीं लगता, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ऑलवेज एनर्जेटिक है ना। Always, he's not even feeling warm or hot, nothing. He said, नहीं गर्मी तो नहीं है। That's the spirit. Just relax. इनका भी हालत खराब हो रहा गर्मी में है ना। Me and dad, team. मानस और मम्मा team. अभी हो रहा है 1:15 तो फिर हम लोग जा रहे हैं, सामने एक रेस्टोरेंट है वहीं चले जाएंगे लंच करने के लिए। यहाँ पे एक और एक होटल है ढामसा ट्राइबल रेस्टोरेंट, वहाँ वो बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ चल के जाने की हालत में तो है नहीं, तो हम यहाँ पास में जो है इधर ही चले जाएंगे। आगे रेस्टोरेंट के अंदर अब तो कोई भी नहीं है, हम लोग बैठ गए आराम से, एसी वीसी सब है, मेनू देख रहे देखते क्या डिसाइड होता है। ये वेज थाली मॉम डैड का, दाल पनीर सब्जी पापड़ और राइस। और मानस ने अपने लिए ऑर्डर किया, आप लोग सब गेस कर सकते हो कि क्या किया है। एज यूजुअल बोल दो अपने मुँह से। चिकन बिरयानी, मानस को चिकन बिरयानी और मेरा मटन बिरयानी अब तक आया ही नहीं है, मोम रेड का तो ऑलमोस्ट हो गया खा के, वी आर वेटिंग। थैंक यू। तो फाइनली आ गया हमारा चिकन बिरयानी। हमारा हो गया लंच और अभी हम लोग निकल गए, मौसम तो बढ़िया हो गया ना, धूप भी चला गया है, तो अभी निकलेंगे घर की तरफ और हम नहीं घूमेंगे इको पार्क क्योंकि हमें जल्दी घर भी पहुंचना है। देखते हैं रास्ते में बगल में मिष्टी जब है वहाँ चलेंगे, कुछ मीठा खाएंगे। ऐसे शॉपिंग के भी सामान सारे हैं, ये क्यूट हेयर बैंड्स, मम्मा बोल रही है मेरे को लेने के लिए। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अच्छे खिलौने वगैरह टॉयज एंड ऑल, तो बहुत ह्यूज है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ, ये मेन एंट्रेंस था उधर से, ये पूरा टू व्हीलर पार्किंग, ये पूरा फोर व्हीलर पार्किंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ इको पार्क से, अभी नेक्स्ट जाएंगे मिष्टी हब कुछ मीठा खाने। और ये इतना लंबा लाइन हो गया टिकट काउंटर का, हम लोग अच्छे टाइम पे आ गए थे वरना हमें भी खड़ा होना पड़ता बहुत देर तक। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मिष्टी घर, चले चलते हैं। पापा का फेवरेट जगह, सारे मिठाई देके पापा मत होश हो गए हैं। समोसा अच्छा बहुत अच्छा, फिर और एकदम दूध का बना हुआ रबड़ी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं मिष्टी हब से बाहर और हमने बहुत सारा मिठाई खाया, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, पापा ने भी बहुत कुछ खा लिया है, मैंने भी पेट एकदम भरा है। अभी जा रहे हैं घर की तरफ बट ऑन दी वे कुछ और एक दो सामान लेना है, तो देखते कहाँ जाते हैं हम नेक्स्ट। Tired face. Five minutes later. मम्मी ने मैंने सबने अच्छा नींद मार लिया कार में बैठे। हाँ क्यों अपनी उसमें बस
मानस नहीं सोए, मैं तो बढ़िया सो गई थी। अब देख देखते हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट घर के पास, बट वहाँ जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं कहाँ, लेक मॉल, लास्ट मिनट ट्रिप शॉपिंग। तो अभी हम जाएंगे जल्दी से करना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी लेना है वो लेकर देन वी हेड टुवर्ड्स अ होम। शॉपिंग हो गया है, दिस वॉज द क्विकेस्ट शॉपिंग आई हैव एवर डन। पापा पता नहीं कौन सी शॉप में चले गए, अब उनको ढूंढने जाना। पापा यहाँ पे कुछ शॉपिंग किए अपने लिए, हमारा हो गया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। मम्मी नहीं, मम्मी कार में रेस्ट कर रही है, शी इज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। टाइम हो गया 4:30 और हम पहुंच गए घर। जाते ऊपर थोड़ा रेस्ट करना है, पैकिंग भी बाकी है, पैकिंग भी करना है। हे गाइस, तो घर आके मैंने फेस्ट वॉश वगैरह कर लिया है, बहुत फ्रेशन अप। मॉम रखा रेस्ट कर रहा है, मानस ऑलरेडी स्लेप। मेरा थोड़ा पैकिंग बाकी है, कल रात में मैंने कपड़े जो मेन पैकिंग है वो कर लिया है, ऊपर से बस जूते कुछ जो मेरा एक्सेसरी बॉक्स है, मेकअप बॉक्स ऐसा लगना है, वो एक दो काम बाकी है। एंड फूड वाला बैग है, जो मतलब जो स्नैक्स आइटम कुछ फ्रूट्स रखा हुआ है घर पर वो ले जाएंगे, फिर घर में रहेगा तो हमारा 10-12 days का ट्रिप है, वो तो ख़राब हो जाना है, तो वो कुछ थोड़ा सा पैकिंग करना है, तो वो करेंगे आराम से। मैं थोड़ा सा अपना ये गैजेट्स वगैरह सारे चार्ज कर रही थी, एंड मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है, क्योंकि कलर अब बिल्कुल एडिट नहीं हुआ है, तो वो बैठ के अभी करूँगी। एंड देन देखते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, टाइम मिलता है, रियली टायर्ड। तो हमारा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, एंड रात का डिनर जो हमें ट्रेन के लिए लेना है वो भी पैक हो गया है। तो मैं आज का ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। हमारा ट्रिप जो स्टार्ट होगा, हमारा ट्रेन जर्नी, वो एक दूसरे ब्लॉग में आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला कैलकटा ब्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर ब्रांड न्यू ट्रैवल वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।